हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रानगांव को एक्सप्लोर करने वाला है। सो रानगांव इज सिचुएटेड इन वसई, सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन वसई हियर। तो अगर आप आ रहे हैं तो ज़रूर आए यहाँ पे, इट इज़ अ वंडरफुल प्लेस, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा यहाँ पे आके। तो यहाँ पे हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप एंड एंटायर वीडियो को देखिए। मैं बीच बीच में वॉइस ओवर दूंगा सो दैट द वीडियो गेट्स मोर इंटरेस्टिंग, सो स्टे ट्यून्ड गाइस। समोसा है? हाँ आलू ना, जो चले समोसा प्लेन कितनी का? कितनी चा? 12 रुपए। 12 समोसा 12 रुपए। ठीक है, दो ही ले। हाँ दो ही। हाँ ठीक है, हम लोग दो ले लेते हैं। सुयश तो नहीं खा रहा। चलेगा? नहीं खा रहा है, इसको नहीं खाने का ना। ठीक है, हम लोग दो खा लेते हैं अभी। सुयश समोसा गर्म है शायद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चाय पी लो, गर्म है। अच्छा वो हो गया, ट्रेंडिंग ट्रेंड में नहीं है लेकिन जो भी। सो यार नया वड़ा पाव बनने वाला है, एंड हियर देयर इज सम नाइस फ्लावर्स। तैयार, चटनी के साथ खाएंगे। रॉयल ट्रैंक ठेका सर है अभी। एक्चुअली ये जो चीज़ है, ये जो ग्रीन कलर का जो चीज़ है, इट इज़ लाइक लिटिल पंजेंट। पंजेंट मतलब तीखा, अगर इंग्लिश में नहीं समझा तो। और लोग बोल रहे हैं कि बहुत तीखा है करके, लेकिन मैं तो कहाँ पा रहा हूँ। मजाक मत कर बस। नहीं इसके अंदर क्या है, मिर्ची और ऑयल मिक्स है ना, तो इतना नहीं। मैं मिर्ची प्लेन खा सकता हूँ थोड़ा। ये खाने के बाद बहुत अच्छा लगता है। जिन लाइक तो फ्रेम में निकल रही थी ना। ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को तीखा खाने को, मतलब आग से पानी निकल दिए। इट मेक्स द फूड मोर टेस्टियर। नहीं हम तो रिकॉर्ड करेंगे, हमको पूरा देखना है, पूरी रिएक्शन चाहिए हमको। पूरी पूरा रिएक्शन करना है ज्यादा क्या देखा। अरे तो फास्ट फॉरवर्ड में डाल देना बाद में। हाँ आंखों से पानी आए कि नहीं दिखा, हमको देखना है ठेसा का कैसा। वो चटनी फेंकेगा चले, ठेसा मत फेंकना। अक्षय क्या मैंने गर्म चबक से रखा? रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। क्या है, ज़्यादा टाइम इधर खड़ा रह के, मतलब एक जगह रह के घंटा लगा है। एक्चुअली वी आर गोइंग टू गो इन द बीच, देखते क्या देखने मिलता है, इंटरेस्टिंग है। हम लोग क्या है ना, थोड़ा टाइम रुकने वाले हैं इधर 5-10 मिनट, फिर हम लोग निकल के बाय रोड हम लोग दूसरा बीच जाएंगे, तो देखते हैं रोड पे भी क्या इंटरेस्टिंग मिलता है देखने को। सो लेट्स गो। सो द बेस्ट थिंग अबाउट रानगांव बीच इज दैट आजू बाजू काफ़ी अच्छा सीनरी देखने मिलता है, और क्या है कि काफ़ी कम भीड़ है यहाँ पे। यू सी राइट अराउंड, यू वुड सी अ लॉट ऑफ ग्रीनरी, एज इन लाइक फार्मिंग होता है, एंड इट इज़ क्वाइट अ नाइस प्लेस, क्वाइट साइलेंट। यू कम ऑन द वीक डेज काफ़ी कम भीड़ नज़र आएगी। सो इट्स रियली ब्यूटिफुल आउट हियर, यू मस्ट कम हियर। सो आई जस्ट शो यू दिस अमेजिंग क्लिप्स, जस्ट लेट मी नो हाउ यू फेल्ट अबाउट इट। Thank you.
control. I filled in a hole. He could not care less about a minimalistic point of view. It's not new. She said, I gotta go away for a while, beyond my own. I've just got this feeling. He could tell something was up by the way she walked on the ceiling. अभी सूरज भाई ने थोड़ा क्लिप्स रिकॉर्ड किया है, एक नंबर था यार, एक नंबर। अभी जस्ट सन बाहर निकला है, तो यू कैन सी वो दे कि कैसा गोल्डन कलर का सन है यार, रियली ब्यूटीफुल। आफ्टरनून का सन इतना गोल्डन नहीं था, लेकिन ये जो शाम वाली जो सन है, इट इज़ रियली ब्यूटीफुल एंड सो गोल्डन। जस्ट लुक एट इट। जमीन का रिफ्लेक्शन पता हो, एक नंबर दिख रहा है वो जमीन का जो रिफ्लेक्शन है ना, आई जस्ट लव इट। एक्चुअली दिस अमेजिंग लोकेशन आई वांटेड टू रिकॉर्ड यूजिंग द 360 डिग्री कैमरा, सो इट इज अ बिट ऑफ टाइट स्पेस, अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन, जस्ट चेक इट आउट। सो ब्रोस, होप यू लाइक द लोकेशन। हेलो, ये सो व्हाट्सअप, वी आर यर करेंटली एट रानगांव वनी, लेकिन रानगांव का जो तालाब है, सो वेरी ब्यूटीफुल तालाब आउट या। एक्चुअली हम लोग सोचे कि दो मिनट इधर स्पेंड करें, फिर हम लोग वो रोड से जाएंगे, जस्ट गोइंग टू वेट। एक्चुअली बहुत टाइम गया रे बीच में, हम लोग एक्चुअली ऐसा प्लान ही नहीं था। सही है, तालाब बहुत हरियाली है, तो सन वॉज जस्ट सेटिंग, वी डिडंट गेट टू कैप्चर इट। एक्चुअली ऑरेंज कलर दिख रहा था, बट अभी झाड़ के नीचे सब चले गए। सो एनीवेज, होप यू लाइक दिस प्लेस। ये आगे एक्चुअली ये कवर ढूंढ रहा था मैं, कवर फाइनली मिल गया है। कौन सा कवर ढूंढ रहा था बता? ये जो लेंस कवर है ना, ये कैमरा का, इसका बैटरी एक्चुअली थोड़ा कम है, तो इसके लिए मैं इसे आज ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, जस्ट लाइक अ फ्यू क्लिप्स। बुलबुल का आवाज़ आ रहा है पीछे से, तो बुलबुल जोएल के घर में भी एक है। हाँ, एक बुलबुल है, पालेला बुलबुल है वो, तो उड़ने नहीं आता बेचारे को। सो दोस्तों, जैसे आपने देखा,
Rangao is a wonderful place. You must come and visit here. It is really awesome. Lot of coconut trees, lot of greenery, lot of beautiful sceneries. आप जरूर आइएगा यहाँ पे. इट इज़ अ वंडरफुल 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 प्लेस. सो आई एंड दिस वीडियो बाय शोइंग यू सम ब्यूटीफुल सीनरी एंड सम स्मॉल नाइस रोड्स विच रिमाइंड मी ऑफ गोवा. सो यू विल श्योरली लाइक वॉचिंग इट. सो होप यू एंजॉय दिस वीडियो टिल हियर. होप यू विल एंजॉय ऑल ऑफ द अदर वीडियोज़ ऑन माई चैनल टू. सब्सक्राइब टू माई चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Bye, take care. Hope you have a great day ahead. Bye-bye.